दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा रिंग फ्रेम मशीन होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब रिंग फ्रेम की वर्किंग कैसी होती है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें। गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ रिंग फ्रेम मशीन। तो गाइस, जो हमारी रिंग फ्रेम मशीन होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, तो वो सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट होता है, उसका क्या काम होता है। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक। गाइस, जो हमारी रिंग फ्रेम मशीन होती है उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं तो उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला जो फंक्शन होता है क्रीलिंग। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो रोविंग बॉबिन हमें सिंपलेक्स प्रोसेस से प्राप्त होते हैं तो उनको हम रिंग फ्रेम के अंदर एज ए फीड मटेरियल प्रयोग करते हैं। ये रोविंग बॉबिन हम रिंग फ्रेम की क्रील के ऊपर बॉबिन होल्डर लगे होते हैं वहां पे माउंट करते हैं। जो हमारी क्रील होती है वो रिंग फ्रेम के टॉप पार्ट में लगी होती है और इसके बाद में जो आपकी रोविंग होती है गाइड बार से पास होती है। जो हमारी गाइड बार होती है उसका फंक्शन होता है कि ये आपके रोविंग को ड्राफ्टिंग सिस्टम की तरफ गाइड करती है और ये जो हमारी क्रील होती है रिंग फ्रेम की, तो ये ऑटोमेटिक रोविंग ब्रेक स्टॉप मोशन से इक्विप्ड होती है। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रोविंग स्टॉप मोशन लगी होती है जब स्प्रिंग के अंदर धागा बन रहा है और कभी भी कोई रोविंग ब्रेक होता है किसी भी स्पिंडल के ऊपर, तो ये जो आपकी रोविंग ब्रेक स्टॉप मोशन होती है इमीडिएटली प्रभाव में आती है और क्या करती है कि आपका कोई भी जो स्पिंडल है जहां पे आपकी रोविंग टूट गई है वहां पे आपकी स्पिंडल को तुरंत के तुरंत बंद कर देती है। अब गाइस देखिए, ड्राफ्टिंग, तो जो हमारी रिंग फ्रेम प्रोसेस होती है उसके अंदर ड्राफ्टिंग कैसे होती है। जब आपकी रोविंग ड्राफ्टिंग जोन में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि आपका रोविंग को डिजायर्ड काउंट के अनुसार या जितना काउंट आपको चाहिए उसके अनुसार रोविंग की हम ड्राफ्टिंग करते हैं और जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है वो 45 से लेके 50 डिग्री तक इंक्लाइंड होता है। गाइस किसी भी रिंग फ्रेम मशीन के अंदर उसका ड्राफ्टिंग सिस्टम आपकी मशीन की परफॉर्मेंस और यार्न क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जो हमारी रिंग फ्रेम प्रोसेस होती है तो उसके अंदर जो ड्राफ्ट हम दे रहे हैं तो वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल प्रोसेस्ड कर रहे हैं। और नॉर्मली जो हमारी ड्राफ्ट रेंज होती है रिंग फ्रेम के अंदर वो 35 से लेके 40 तक होती है यदि हम कॉटन फाइबर प्रोसेस कर रहे हैं, और यदि हम रिंग फ्रेम मशीन के अंदर कोई सिंथेटिक मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे आपका ड्राफ्ट 50 के आसपास में होता है। जो हमारा रिंग फ्रेम का ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है उसकी मशीन की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ऐसा रिंग फ्रेम जहाँ पे ड्राफ्ट रेंज ज्यादा होती है तो वहां पे आपकी जो सिंप्लेक्स प्रोसेस होती है उसकी भी कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि आपको जो रोविंग की काउंट होती है, रोविंग की हैंक होती है, वो भी आपको कोर्स रखनी होती है। रिंग फ्रेम मशीन के अंदर जो हमारे ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं तो वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं उनको एक नियमित ग्रिपिंग मिलती रहती है। गाइस जब हमारा मटेरियल ड्राफ्टिंग जोन के अंदर रिंग फ्रेम में प्रोसेस होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो उसका कारण ये होता है कि नंबर ऑफ फाइबर्स जो होते हैं आपके फाइबर स्टैंड में वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनती है कि जो हमारी फाइबर की स्ट्रेंथ पुअर होती है तो वहां पे आपको आवश्यकता होती है कि फाइबर स्ट्रेंथ को पर्याप्त गाइडेंस दिया जाए जो आपका मटेरियल ड्राफ्ट हो रहा है, और ये जो फाइबर स्ट्रेंथ को गाइड करने का काम किया जाता है वो आपके एप्रन की सहायता से किया जाता है। गाइस जितने भी हमारे मॉडर्न रिंग फ्रेम होते हैं तो उनके अंदर जो फाइबर गाइडिंग या फाइबर सपोर्ट सिस्टम यूज किया जाता है तो वहां पर दो एप्रन लगाए जाते हैं और उन एप्रन्स में से जो बॉटम एप्रन होता है तो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। गाइस जब हमारा
फाइबर का गाइडेंस एप्रन के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें टॉप एप्रन को हम लोडिंग सिस्टम की सहायता से प्रेस करते हैं, तो नीचे लगा होता है आपका बॉटम एप्रन, तो आपका टॉप एप्रन बॉटम एप्रन को टच करता है। और गाइस जो हमारे दोनों एप्रन होते हैं तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है तो उसको भी बहुत प्रिसाइजली या एक्यूरेटली सेलेक्ट किया जाता है, जिससे हमारे फाइबर डिलीवरी के तरफ आसानी से बाहर निकल सकें। और जो हमारा लॉन्ग बॉटम एप्रन होता है वो आपके शॉर्ट एप्रन से ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। तो हम जो लॉन्ग एप्रन होता है गाइस, यदि वो डैमेज हो जाता है तो उसको एक तो हम आसानी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, और दूसरा ये एडवांटेज होता है कि लॉन्ग एप्रन में चोकिंग के जो खतरे होते हैं वो भी कम होते हैं। गाइस अब आता है आपका ट्विस्टिंग। तो देखिए आपके रिंग फ्रेम के अंदर ट्विस्टिंग कैसे होती है। जैसे ही आपका ड्राफ्टेड फाइबर स्टैंड बाहर आता है ड्राफ्टिंग सिस्टम से, तो उसकी स्ट्रेंथ पुअर होती है, तो इस फाइबर स्टैंड के अंदर एक निश्चित मात्रा में ट्विस्ट इंसर्ट किया जाता है। और जो हम ट्विस्ट को इंसर्ट करते हैं तो वो सारे फाइबर्स को साथ साथ रहने में मदद करता है। रिंग फ्रेम के अंदर जो हमारा स्पिंडल होता है वो बहुत हाई स्पीड में घूमता है, तो इस स्पिंडल से हमारे यार्न के अंदर ट्विस्ट का इंसर्शन होता है। रिंग फ्रेम के अंदर जो रिंग के ऊपर एक हमारा ट्रेवलर लगा होता है तो वो ट्रेवलर भी रोटेट करता है, तो उसके माध्यम से हमारे यार्न में ट्विस्ट का इंसर्शन होता है। और जो हमारा ट्रेवलर होता है एक राउंड में एक ट्विस्ट देता है यार्न के अंदर। अब गाइस देखिए वाइंडिंग सिस्टम, तो कैसे काम करता है आपका वाइंडिंग सिस्टम किसी भी रिंग फ्रेम के अंदर। गाइस क्या होता है कि जो हमारा यार्न प्रोड्यूस हो रहा होता है रिंग फ्रेम के अंदर, उसको साथ साथ में रिंग बॉबिन के ऊपर वाइंड किया जाता है, और ये जो वाइंडिंग होती है कंटिन्यूसली होती रहती है। और ये जो वाइंडिंग होती है यार्न की, तो ये कब परफॉर्म होती है, जब आपका स्पिंडल की स्पीड और जो ट्रेवलर की स्पीड होती है उसमें एक बड़ा अंतर होता है। गाइस जो हमारा ट्रेवलर होता है तो ट्रेवलर के अंदर क्या होता है आपका यार्न पास होता है, और जब हमारा स्पिंडल घूमता है तो ट्रेवलर को खींचता भी है, तो खींचने के वजह से आपका जो ट्रेवलर होता है वो स्पिंडल से कम स्पीड पर घूमता है, और इस तरीके से आपका जो यार्न होता है वो आपके बॉबिन के ऊपर वाइंड हो जाता है। ये जो हमारा ट्रेवलर होता है वो यार्न को ट्विस्ट प्रदान करता है, तो इस तरीके से ट्रेवलर और स्पिंडल मिलके यार्न को रिंग बॉबिन के ऊपर वाइंड करते हैं। और गाइस जो हमारा धागा लपट रहा होता है तो उसका जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो आपका स्पिंडल की पेरिफेरल स्पीड और ट्रेवलर की जो पेरिफेरल स्पीड होती है उसमें कितना अंतर होता है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो ट्रेवलर और स्पिंडल की जो पेरिफेरल स्पीड होती है इसका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है आपका जो आपका ड्राफ्टिंग होके फाइबर का स्ट्रैंड डिलीवर हो रहा होता है। गाइस ट्रेवलर के अंदर कोई भी पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती है, और जो हमारा ट्रेवलर होता है वो नेगेटिवली रोटेट करता है। क्या होता है कि जब हमारा स्पिंडल घूमता है तो उससे क्या होता है कि यार्न को वो खींचता है, तो खींचने से क्या होता है कि आपके यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट होता है। गाइस जो हमारी रिंग फ्रेम की मशीन होती है उसके ऊपर एक मूवेबल रिंग रेल लगी होती है, तो उसके ऊपर एक यार्न ट्रेवर्स गाइड माउंट होती है, और जब हमारा पैकेज फॉर्मेशन हो रहा होता है तब यही ट्रेवर्स गाइड आपके यार्न को अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजिशन में लाती है। और ये जो ट्रेवर्स गाइड होती है ये मूवेबल गाइड के साथ साथ ही अप एंड डाउन का मूवमेंट करती है। गाइस जो हमारी अप डाउन की मूवमेंट होती है मूवेबल रेल की, तो इससे क्या होता है आपकी लेयर बनती है, और ये जो हमारी डिस्टेंस होती है अप एंड डाउन करने की, मतलब जो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप आ रहा है, तो उसकी जो ट्रेवल की डिस्टेंस होती है वो हमेशा आपके रिंग बॉबिन की हाइट से कम होती है। और गाइस जैसे जैसे आपके रिंग बॉबिन के ऊपर धागा लपड़ता जाता है वैसे ही वैसे ही आपकी जो मूवेबल रेल होती है या रिंग रेल होती है, तो उसकी जो ट्रेवर्स की डिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है, जिससे आपके लेयर बनते जाते हैं और वो जो आपकी ट्रेवल डिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है।
गाइस एक चीज और होती है आपके रिंग फ्रेम के अंदर कि यदि आपकी बॉबिन का डायमीटर ज्यादा होता है तो वहां पर बैलूनिंग हो जाती है, और जब जो बैलूनिंग होती है यदि लार्ज होने लगती है, ज्यादा बैलूनिंग होती है, तो उससे क्या होता है कि हवा के साथ में आपके यान पे ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई होता है, तो इस तरीके से आपके यान के ऊपर जो टेंशन होता है वो बढ़ जाता है, इससे आपकी रिंग फ्रेम प्रोसेस के अंदर जो यान ब्रेकेज होता है वो भी बढ़ जाता है। गाइस ये जो बैलूनिंग की प्रॉब्लम होती है इसको दूर करने के लिए हम बैलून कंट्रोल रिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी बैलून कंट्रोल रिंग होती है ये क्या करती है कि आपके बैलून को दो भागों में डिवाइड कर देती है, मतलब दो सब बैलून्स बनने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है गाइस कि जो आपका एक बड़ा बैलून बन रहा होता है तो उसको दो बैलून में इस तरीके से वो बांट देती है कि जो आपका जो बड़ा वाला बैलून था उसकी आधी हाइट के दो बैलून बनते हैं, उससे आपके यान पर टेंशन भी घट जाता है और ब्रेकेज भी नहीं होता है। और ये जो हमारी बैलून कंट्रोल रिंग होती है तो इससे आप अपने रिंग फ्रेम मशीन के अंदर जो स्पिंडल की हाइट होती है वो भी ज्यादा रख सकते हैं और स्पिंडल स्पीड को भी ज्यादा ले सकते हैं, और आपका जो टेंशन होता है यान का वो भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, कंट्रोल में रहता है। अब गाइस देखिए डॉफिंग, तो गाइस देखिए आपके किसी भी रिंग फ्रेम के अंदर डॉफिंग कैसे होती है। जो डॉफिंग प्रोसेस होती है उसका काम होता है कि जो आपकी रिंग बॉबिन भर गई हुई है यान से तो उसको एम्प्टी बॉबिन से रिप्लेस करना। जब आपकी रिंग बॉबिन यान से भर जाती है दीज बॉबिन्स नीड टू रिप्लेस विद एम्प्टी बॉबिन, तो ये जो भरे बॉबिन होते हैं इनको खाली बॉबिन से चेंज करने की आवश्यकता होती है। ये जो डॉफिंग की प्रोसेस होती है इसको हम मैनुअली करते हैं, और ये जो डॉफिंग है इसको ऑटोमेटिकली भी किया जाता है। जब आपकी डॉफिंग परफॉर्म होती है तो उस पोजिशन में आप रिंग फ्रेम मशीन को पहले तो बंद करते हैं, इसके बाद में जो आपकी थ्रेड गाइड्स होते हैं तो उनको ऊपर उठा देते हैं, इसके बाद में आप अपने बॉबिन्स को निकालते हैं स्पिंडल से, और उसके बाद में आप एम्प्टी बॉबिन को स्पिंडल के ऊपर दोबारा से माउंट कर देते हैं, और फिर आपके जो थ्रेड गाइड्स होते हैं तो उनको फिर से डाउन कर दिया जाता है और मशीन को फिर रीस्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ में साइड पर लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।